बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माय नेम इज़ शाहिन कौसर। उम्मीद करती हूँ सब देखने वाले खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं शेफ प्रिंसिपल। बेसिकली इससे पहले एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था हार्ड एसिड, हार्ड बेसिस, सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेसिस। उन्हीं चार कंसेप्ट के पे बेस करता है शेफ प्रिंसिपल। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए वो जो एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें पर्टिकुलरली हमने इन चार टर्म्स को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिकॉज वो फोर की वर्ड्स हैं जिन पर बेस करता है शेफ प्रिंसिपल। अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शेफ प्रिंसिपल है क्या? एस स्टैंड फॉर सॉफ्ट, एस स्टैंड फॉर हार्ड, ए एसिड एंड बी बेस। ठीक है, कि यानी इसने एसिड एंड बेस को कैटेगराइज कर दिया था इंटू सॉफ्ट एंड हार्ड। ठीक है, यानी कि इसने कहा था कि कुछ जो एसिड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ बेसिस जो होती हैं वो हार्ड होती हैं, कुछ बेसिस जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, और वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती हैं, वो फैक्टर हमने इसे पहले वाली वीडियो में कवर किए हैं। तो आज की वीडियो का पर्टिकुलर फोकस क्या है हमारा, जो मेन शेफ प्रिंसिपल का जो इसकी स्टेटमेंट है और फिर इसकी एप्लीकेशन क्या है, हम किस तरीके से इस शेफ प्रिंसिपल को डिफरेंट तरीके से इसके जो इसके यूटिलाइजेशन है या इसका जो डिफरेंट आगे हैं इसके एप्लीकेशन हैं, इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे। तो अब अगर इसकी स्टेटमेंट देखी जाए, शेफ प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है क्या कि हार्ड एसिड्स प्रेफर टू कंबाइन विद हार्ड बेसिड, सॉफ्ट एसिड प्रेफर टू कंबाइन विद सॉफ्ट बेसिड। इजी सी स्टेटमेंट है कि हमारे पास क्या है कि अगर एसिड हार्ड होगा वो किसके साथ कंबाइन करना प्रेफर करेगा, हार्ड बेस के साथ, और अगर एसिड सॉफ्ट होगी तो किसके साथ प्रेफर करना कंबाइन करेगी, सॉफ्ट बेस के साथ। अब ये हार्ड एसिड हार्ड बेस की इस आप लोगों को अच्छे से समझ तब आएगी जब आप लोगों को इन चारों टर्म्स को अच्छे से आप अंडरस्टैंड करोगे पहले। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आपने पहले वो वीडियो देखनी है, ठीक हो गया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अब ये जो हमारे पास प्रिंसिपल है, इसके हम आज की पर्टिकुलर वीडियो में हमारा फोकस है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसकी मदद से अगर हम डिफरेंट तरीके से किस तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे सामने अब दो ये कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, हमने चेक करना है कि इनमें से स्टेबल कौन है। तो यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम जो शेफ प्रिंसिपल है इसकी एक एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। ये हमें कम्प्लेक्सेस की थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, कैसे वो अभी एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने अब दो कम्प्लेक्स गिवन है जिनमें हमारे पास देखें एक मेटल एटम है। मेटल एटम को हम किस में कैटेगराइज करते हैं, एसिड्स में कैटेगराइज करते हैं, अभी हम लोगों ने पार्ट वन में ये चीज़ देखी थी। और साथ हमारे पास लिगेंड्स हैं जो कि किसके तौर पर ऐड कर रहे होते हैं, एज अ बेस, बिकॉज लिगेंड का क्या काम करना होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, और बेस भी क्या होती है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, और एसिड क्या होता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके। और यहाँ पर देखें मेटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करिए, दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि यहाँ पर मेटल क्या है, एसिड है, और जो हमारे पास लिगेंड्स गिवन है ये किस के तौर पर कवर कर रहे हैं, बेस के तौर पर। अब अगर हम देखेंगे कि जो यहाँ पर एसिड और बेस गिवन है इनकी नेचर क्या है। फॉर एग्जांपल अब सबसे पहले एसिड देख लेते हैं, यानी कि देखें हम सिल्वर देख लेते हैं, तो दोनों में देखें कि हमारे पास एसिड सेम है, यानी कि हमारे पास क्या है, मेटल सेम है जो कि क्या है, सिल्वर। अब हमने चेक करना है कि आया ये मेटल सॉफ्ट है या हार्ड है। तो यहाँ पर मैंने की वर्ड्स लिख दिए हैं जो इस प्रीवियस जो लेक्चर का कंक्लूजन था, कि हम सॉफ्ट एसिड उसे कहते हैं जो लार्ज साइज होती है, हार्ड एसिड उसे कहते हैं जो स्मॉल साइज होती है, सॉफ्ट बेस किसे कहते हैं जो लार्ज साइज, सॉरी यहाँ पर लास्ट पे क्या है, हार्ड बेस, जो कि क्या होती है, लार्ज, यानी कि हार्ड जहाँ पे टर्म आ जाए वहाँ हम लोगों ने स्मॉल टर्म माइंड में रखनी है, और जहाँ पर सॉफ्ट एसिड या सॉफ्ट बेस होगी तो वो क्या होगी, लार्ज इन साइज होगी। तो सबसे पहले बारी आती है सिल्वर की। सबसे पहले अगर हम इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें ऑफ द सिल्वर तो क्या होगा, प्लस वन होगा। तो जब हम फोर मेन फीचर्स देख रहे थे एसिड के एंड बेसिस के, वहाँ पर हम लोगों ने बल्कि मैं अगर वो यहाँ से अगर हाँ ये मेरे पास अगर सात नोट्स पड़े भी हैं, ये वाला इस चीज़ मैं बोल रही हूँ कि जिससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सारी कवर भी की है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हार्ड एसिड की क्या सॉरी ये सॉफ्ट एसिड की क्या कैटेगरी थी, कि उसके ऊपर क्या होता है, लो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास एसिड है इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज जस्ट वन है, यानी कि लो पॉजिटिव चार्ज है। लो पॉजिटिव चार्ज होने का क्या मतलब है कि साइज़ लार्ज है। साइज़ लार्ज होने का क्या मतलब है कि एसिड कैसी है, सॉफ्ट एसिड है। मीन जो हमारे पास यहाँ पे पर्टिकुलर केस गिवन है, यहाँ पर क्या है, सॉफ्ट एसिड है। अब जो दो अलग बेसिस हैं उनके हम नेचर चेक कर लेते हैं। देखिए एक अब हमारे पास क्या है, फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोराइडाइन है, और दूसरी हमारे पास क्या है, आयोडाइडाइन है। हमने इन दोनों की नेचर चेक करनी है। तो देखिए फ्लोराइड आइन और सॉरी आयोडाइडाइन ये दोनों एक ही ग्रुप के मेम्बर हैं, जिनमें से क्या होता है, फ्लोराइड स्मॉलर इन साइज होता है, बिकॉज डाउन द ग्रुप हम जब जाते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, वो साइज इंक्रीज हो रहा होता है, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो रही होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही होती है। इन अदर वर्ड्स हम क्या कहते हैं कि साइज इंक्रीज हो रहा होता है। तो देखिए हम लोगों ने क्या बात किया है कि जब साइज लार्ज होता है तो हमारे पास बेस कौन सी होती है, सॉफ्ट होती है। तो इन दोनों में से आप देखें किसका साइज लार्ज है, ओबियसली इसका साइज लार्ज है, तो इट्स मीन कि ये क्या है, हमारे पास सॉफ्ट बेस है।
और ये हमारे पास फिर कौन सी हो जाएगी, हार्ड बेस हो जाएगी। तो अब देखेंगे यानी कि जो फर्स्ट केस है इसमें हमारे पास क्या है, एसिड सॉफ्ट है, एसिड सॉफ्ट है और ये किसके साथ कंबाइन हुई है, हार्ड बेस के साथ। सेकंड केस में हम देखें तो हमारे पास एसिड भी सॉफ्ट है और बेस भी सॉफ्ट है। तो अब देखें इनमें से सॉरी ये भी बेस भी हमारे पास क्या है, सॉफ्ट है। तो अभी हम लोगों ने शेयर प्रिंसिपल देखा है कि हार्ड प्रेफर टू कंबाइन विद हार्ड, सॉफ्ट प्रेफर टू कंबाइन विद सॉफ्ट। तो यहाँ पर देखें ये तो फिर ऑपोजिट कंबाइन हो रहे हैं, इट्स मीन कि ये स्टेबल नहीं होगा, बल्कि इन दोनों में से अगर हम स्टेबिलिटी चेक करें तो कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल होगा, ये जो हमारे पास आयोडाइड कम्प्लेक्स है ये स्टेबल प्रोडक्ट होगा। तो ये है शेयर की प्रिंसिपल की जो एप्लीकेशन, यानी कि कोई भी हमें कम्प्लेक्स गिवन हो हम इजी से उसकी स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड अब सेकंड एग्जांपल करते हैं, आप देखें इसमें भी एसिड सेम है, मीन हम बिल्कुल जैसे ऊपर करके आए हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम एसिड गिवन है, इसके ऊपर सेम चार्ज है +1 का। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, हमारे पास इस कैटेगरी में भी जो एसिड गिवन है हमारे पास वो क्या है, सॉफ्ट एसिड। अब हमने चेक कर लेना है कि जो हमारे पास दो बेसिस गिवन है वो किस नेचर के हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी बेस गिवन है, सियानो ग्रुप गिवन है, लेकिन जो साइनाइड ग्रुप होता है ना इसके अगर हम लोग चेक करें तो कुछ इस तरीके से ये होता है, ठीक है, यानी कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है, ये देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड होता है ये डीलोकलाइज्ड हो जाता है। डीलोकलाइज होने के इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक हो गया। तो मतलब इस डीलोकलाइजेशन की वजह से ये लार्ज साइज हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो सियानो ग्रुप है ये कौन सी बेस है, सॉफ्ट बेस है। तो ऑब्वियसली जब ये सॉफ्ट बेस होगी हम यहाँ से कह सकते हैं कि इस कंपैरिजन में क्या होगा, जो हमारे पास सेकंड बेस है जो कि क्या है, क्लोराइड आयन है, तो ये अब क्या होगी, हार्ड होगी। नंबर 1 हम वैसे कंपैरिजन में देख सकते हैं, ठीक हो गया। दूसरी अगर हम लोग इसके जो फैक्टर्स हैं जो यानी कि जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखे भी थे कि कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है कि वो हार्ड बेस है या सॉफ्ट बेस है, तो अगर हम लोग यहाँ से भी चेक करें तो ये देखें हमारे पास क्या है, हैलोजन ग्रुप का मेम्बर है और सेकेंड मेम्बर है, मीन फर्स्ट के बाद फ्लोरिन है उसके बाद क्लोरिन है, बहुत डाउन द ग्रुप भी नहीं प्रेजेंट एंड बिल्कुल अबव भी नहीं प्रेजेंट, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इतनी इनफ होती है और साइज भी इतना लार्ज नहीं होता। सिंपली इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होती है, ये हार्ड एसिड के तौर पर यहाँ पर सॉरी हार्ड बेस के तौर पर यूज हो रही है। अब देखिए हमारे पास कम्बिनेशन क्या है, फर्स्ट में हमारे पास क्या है, सॉफ्ट और उसके साथ बेस भी कौन सी लगी हुई है, सॉफ्ट लगी हुई है, जबकि अगर हम लोग सेकेंड में देखें तो हमारे पास क्या है, जो सॉरी ये जो मेटल है ये क्या है, सॉफ्ट और साथ जो बेस गिवन है ये क्या गिवन है, हार्ड गिवन है। यहाँ पर क्या केस है हमारे पास, सॉफ्ट एंड सॉफ्ट। अब देखिए कौन सा इनमें से ज़्यादा फिर स्टेबल कम्प्लेक्स होगा, ये वाला कम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। इसी तरह इसके बेस पे अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल अब देखें जी सर हमारे पास क्या है, ये अब कौन सा सेंट्रल मेटल आइटम है, कोबाल्ट। तो देखें अब यहाँ पर अगर आप कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक की जाए तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 +3। अब देखें हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि अब साइज क्या होगा, लार्ज होगा। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास एसिड गिवन है वो कौन सा गिवन है, हार्ड एसिड गिवन है। तो हमने कंपैरिजन में चेक करना है कि जो हमारे पास बेस हार्ड होगी, तो एक तो देखें चीज़ हमें अभी समझ आ रही है, अभी हम लोगों ने सियानो देखा है कि हमारे पास ये क्या होती है, सॉफ्ट बेस होती है, ठीक है, जो CN देखें ये तो हम लोगों ने चेक कर लिया। अब हमने बेसिस को चेक करना है, बेसिस अब यहाँ पर एक सियानो है और एक अमाइन ग्रुप है, तो जो हमारे पास क्या होता है, सियानो होती ग्रुप होता है, ये क्या होता है हमारे पास, सॉफ्ट। जब एक को हम लोग यानी कि कुछ फैक्टर की बेस पर डिस्क्राइब कर लेंगे तो ऑब्वियसली जो दूसरा इसके साथ होगा कंपैरिजन में ये क्या होगा, हमारे पास हार्ड होगा। इसके हार्ड होने की एक और रीज़न ये भी होती है कि हमारे पास क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उन्होंने नाइट्रोजन के साथ इजीली ओवरलैप किया होता है, नंबर 1। ये नंबर 2 जो नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल एटम है इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दैट्स वाई यहाँ पर जो अमोनिया ग्रुप है इसकी क्या होती है, स्मॉल इन साइज होता है, या हम कहते हैं कि ये वर्क कर रहा होता है एज हार्ड बेस। तो अब अगर हम लोग कम्बिनेशन देखें तो जो फर्स्ट वाला है इसमें देखें हमारे पास एसिड क्या है, हार्ड है और बेस भी साथ क्या है, हार्ड है, जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो एसिड है ये तो हार्ड है लेकिन बेस क्या है, सॉफ्ट है। तो इन दोनों में से कौन थर्मोडायनामिकली स्टेबल होगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट 1 है। इस तरीके से हमें डिफरेंट एक तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी दे सकते हैं कंपैरिजन में 2-3 इस तरह से कम्प्लेक्सेज और पूछ सकते हैं कि इनमें से कोई स्टेबल है या नहीं है। दूसरा हम इसकी इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी अटैम्प्ट कर सकते हैं फॉर थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लेक्सेज, ठीक हो गया। इसके बाद यही जो शेयर प्रिंसिपल है इसकी बेस पे हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड्स। देखें एक हमें मतलब जो हैलोजन एसिड्स हैं यानी कि जिसमें हमारे पास कौन से आते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड आता है, हाइड्रोजन क्लोराइड आता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड आता है,
हाइड्रोजन आयोडाइड आता है। इस ये जो ऑर्डर है इसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं कैसे, अब देखें इस ऑर्डर में है क्या है। तो ये बेसिस हैं फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, ये बेसिस हमने देखे हुए हैं। तो ये बेसिस हैं और साथ देखें सबके साथ क्या है, एच प्लस है, वर्क कर रहे हैं एसिड। तो अब देखें यहाँ पर जो एच प्लस एसिड है ये हमारे पास कैसा एसिड है, हार्ड एसिड है, बिकॉज ये स्मॉल इन साइज है। तो ये क्या होता है हमारे पास हार्ड एसिड के तौर पर यूज कर हो रहा होता है। अब इनमें से हम लोग देखेंगे कि देखें जो हार्ड एसिड होगा ऑब्वियसली फिर उन्हीं के साथ उसी के साथ कंबाइन करना प्रेफर करेगा। तो हम कंपैरिजन देखें बेसिस का, हम लोगों ने क्या देखा था कि हार्ड बेस कौन सी होती है, जो स्मॉल इन साइज होती है। तो ये फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारे पास क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही होगी। इन अदर वर्ड्स हम कह रहे होंगे, कह सकते हैं कि साइज इंक्रीज हो रहा है। और साइज इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि हमारे पास क्या हो रही है, बेसिसिटी सॉरी जो सॉफ्टनेस है वो इंक्रीज हो रही है, या बेस सॉफ्ट होती जा रही है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इनमें से देखें फ्लोराइड आयन क्या होगी, हार्ड होगी, ठीक है, और क्लोराइड हैज कम्पेयर टू हार्ड होगी। फिर जैसे हम डाउन द ग्रुप लेकिन मूव करते जा रहे हैं तो हमारे पास ये जो लास्ट वाली बेस है ये क्या है, सॉफ्ट है। तो अब देखें हमारे पास एसिड हार्ड है, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज यहाँ से अगर हम लोग कंपैरिजन देखें तो जो फर्स्ट मेंबर है ये देखेंगे क्या है, हार्ड है, लेकिन जैसे ही डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारे पास सॉफ्टनेस इंक्रीज हो रही है। तो हमने अभी शेयर प्रिंसिपल पढ़ा है कि हार्ड प्रेफर टू कंबाइन विद हार्ड, मीन कि अगर हम लोग सिंपली यहाँ पर बात करें कि जब एच एफ बॉन्ड होगा और लास्ट वाला हम देख लें एच आई, तो इनमें से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा होगा, ये वाला स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा बिकॉज इसमें देखें हमारे पास दोनों क्या है, हार्ड एंड हार्ड है। तो देखें जब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो क्या इसको डिसोसिएट करना आसान होगा। देखें एसिडिटी है क्या, कि एबिलिटी टू डोनेट द प्रोटॉन, जब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये तो प्रोटॉन डोनेट ही नहीं कर सकेगा। तो इट्स मीन हम इस बेस पे भी ये फैक्टर डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है ये क्या होता है, लीस एसिडिक होता है, या इसकी एसिडिटी कम होती है। इसके कंपैरेटिवली हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास एसिड तो हार्ड है लेकिन जो हमारे पास बेस है ये क्या है, सॉफ्ट है। तो ये देखें अब बॉन्ड वीक होगा तो इसकी डिसोसिएशन ईजी होगी। हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन एसिड की स्ट्रेंथ बतानी है ना, इसकी एसिडिटी बतानी है। एसिडिटी का मतलब ही क्या है, लॉस ऑफ प्रोटॉन। इट्स मीन कि हमारे पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड होगा इसमें प्रोटॉन को लॉस करना आसान होगा, दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि हमारे पास एसिडिटी का ऑर्डर इस तरीके से होता है। मीन ये भी हमारे पास एक फैक्टर है, शेयर प्रिंसिपल, जिसकी बेस पे हम इस ऑर्डर को इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आता है इस प्रिंसिपल के बेस पे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, कि हमारे पास जो एक पर्टिकुलर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर हम लोग देखें इस एग्जांपल में, पहले तो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास एसिड गिवन है वो सेम है दोनों में, यानी कि एसिड दोनों के केस में क्या है, हार्ड है, हम देख सकते हैं एच प्लस है। अब हम लोगों ने चेक करनी है कि हमारी बेस कैसी है। देखें अब अगर हम बेस चेक करें ना, तो बेस को हम लोग यहाँ से डिटरमिन कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर सल्फर होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो देखें यानी कि हमारे पास बेस दो हैं, दो डिफरेंट बेसिस हैं, एक है हाइड्रोक्सिल आयन और एक है सल्फाइड आयन, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखें यहाँ से नुकसान करें तो ऑक्सीजन और सल्फर दोनों सेम ग्रुप के मेंबर हैं, डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो इस वजह से क्या होता है, साइज यानी कि सिंपली इंक्रीज हो रहा होता है। साइज इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि सॉफ्टनेस इंक्रीज हो रही होती है, यानी कि ये जो इस बेस है ये कैसी होगी, सॉफ्ट बेस होगी, हैज कम्पेयर टू दिस वन ये क्या होगी, हार्ड होगी। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास बेस है ये क्या है, हार्ड है, और इसके कंपैरेटिवली यहाँ पर जो बेस है यहाँ पर क्या है, सॉफ्ट है। देखिए रिएक्शन हुआ क्या, जो एच प्लस है यहाँ से हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करके वाटर बनाया, बाकी चीज़ कैटायनिक फॉर्म में रिलीज हो गई है। तो अब एक तरफ से इस लिगेंड के साथ या इस बेस के साथ रिएक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ सल्फाइड आयन के साथ रिएक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस हो रही है। तो अब देखें कौन सा रिएक्शन ज़्यादा फिजिबल होगा या किस रिएक्शन की स्पीड फास्ट होगी। अभी हम लोगों ने पढ़ा है हार्ड प्रेफर टू कंबाइन विद हार्ड, इट्स मीन कि जो रिएक्शन वन है इसकी क्या होगी, स्पीड फास्ट होगी। इस तरीके से हम डिफरेंट ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन हैं ऑफ शेयर प्रिंसिपल। हम डिफरेंट जो हमारे पास रिएक्शन होते हैं उनको इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं द बेसिस ऑफ शेयर प्रिंसिपल। इसी तरह एक और हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि हमारे पास कुछ ये अब दिए गए हैं, हमारे पास एसिड्स भी हैं और बेसिस भी हैं, हमने इनको क्लासिफाई करना है कि इनमें से हार्ड कौन से और सॉफ्ट कौन से हैं, और वो भी मतलब दोनों हमने कैटेगरीज बनानी है इनकी, एसिड की भी एंड बेस की भी। तो सबसे पहले तो हम देखें ना, जो इनमें एसिड एंड बेस है उनको अलग कर लेते हैं, फिर आगे हार्ड एंड सॉफ्ट में अलग कर लेंगे। देखें एसिड्स कौन से होते हैं जिनके ऊपर क्या होगा, प्लस साइन होगा, यानी कि जो मेटल्स हैं, तो वो सारी पहले हम क्या कर लेंगे, बेस की सॉरी एसिड की कैटेगरी में इनको अलग कर लेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद जितने भी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होंगी, यानी कि हमारे पास क्या होंगी, वो सारी आ रही होंगी बेसिस होंगी, तो उनको हम क्या करेंगे, इधर अलग कर लेंगे।
और यहाँ पर देखें ना, अब NH3 भी बेस है, बिकॉज बेस का क्या काम होता है, एलोन पैराफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, तो अमोनियम के पास सारे एलोन पैराफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले ये कैटेगरी हमने ये बना ली। अब देखें मतलब इस तरह स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करें। अब एसिड्स में से आगे हम लोगों ने फर्दर टू कैटेगरीज बनानी है, एक बनाने हैं इसमें से कि हमारे पास इसमें से सॉफ्ट कौन से एसिड्स हैं और हार्ड कौन से एसिड्स हैं। तो वही जो मतलब पार्ट वन हम लोगों ने जो तीन चार देखे थे कंसेप्ट देखे थे, उन्हीं के बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें एक और इंतहाई इजी कंसेप्ट कि जितनी भी हमारे पास अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, यानी कि जो एस ब्लॉक की मेटल्स हैं जिनमें ग्रुप वन एंड ग्रुप टू आते हैं, वो सारी क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, बिकॉज उनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है कैटायनिक फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सोडियम एंड पोटाशियम अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल से बिलोंग कर रही हैं, सिंपली हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गई हैं, हार्ड हो गई हैं। यानी कि जो देखे ना एसिड्स कौन सी होती हैं, मेटल्स होती हैं, उनमें से भी निकल गया केस अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, वो क्या होती हैं, हार्ड। अब पीछे बचती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मेटल्स, उनमें केस आता है, उनमें क्या होता है कि अब अगर क्या हो, हाई ऑक्सीडेशन चार्ज हो, वो भी मोर देन मोस्टली केसेस में टू से अबव हो, अगर हाई ऑक्सीडेशन चार्ज होगा तो वो क्या होंगी, हार्ड होंगी, लेकिन अगर लो ऑक्सीडेशन चार्ज होगा तो वो क्या होंगी, सॉफ्ट होंगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लो ऑक्सीडेशन चार्ज है तो इट्स मीन कि ये दोनों क्या होंगी, हमारे पास सॉफ्ट होंगी, ठीक हो गया। इसी तरह अब अगर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर भी हम लोगों ने इसको किस में क्लासीफाई करना है, सॉफ्ट में एंड हार्ड में क्लासीफाई करना है, ठीक हो गया। तो अब इसमें अगर हम लोग देखें ना कि हम लोग कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे इनको सॉफ्ट एंड हार्ड में क्लासिफाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो अब हम लोग देखें कि हमारे पास क्या होता है। यहाँ पर हम लोग जिस तरह अभी हम लोगों ने चेक किया है NH3 का केस, अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल में किया भी है। सेकेंडली ये जितनी भी इन दो को छोड़ के बाकी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर देखें हमारे पास जो कार्बोनेट आयन है, नाइट्रेट आयन है, क्लोरेट आयन है, यहाँ पर देखें हमारे पास सेंट्रल एटम्स कौन सी हैं, सारी अपने जो ग्रुप की फर्स्ट मेम्बर आ रही हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ठीक है। और ये जब आप ये आर्डर स्टडी करोगे ना एक दफ़ा, इंशाल्लाह उसके बाद आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और इजी हो जाएगा कि हमारे पास क्या होता है कि जो टॉप पे ग्रुप के टॉप के मेंबर प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, यानी कि उनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। जब साइज स्मॉल होगा तो ये सारी क्या होंगी, हार्ड होंगी। दैट्स वाई हम यहाँ से इनको सेपरेट कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हैं, एक तरह से हार्ड एसिड्स हैं, ठीक हो गया। अब पीछे जो हमारे पास बचता है यहाँ पर आयोडाइड का केस, अभी हम लोग देख भी चुके हैं कि ये तो बिल्कुल प्रेजेंट होता है, बॉटम पे प्रेजेंट होता है, यानी कि इसका साइज लार्ज होता है, ये क्या होती है, सॉफ्ट होती है। इसके बाद अब केस बचता है हाइड्रोजन मतलब एच नेगेटिव जो केस होता है, आयोडाइड आयन होता है, ये भी हमारे पास क्या होता है, सॉफ्ट बेस होती है। इसके बिहाइंड की जो रीज़न है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर माइंड में रखना है। देखिए हाइड्रोजन जो आयन होता है इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर ये, बल्कि अभी मैं इधर दिखा भी दूँ, ये जो हम लोगों ने तीन चार फैक्टर देखे थे सॉफ्ट बेसिस में, हम लोगों का एक फैक्टर आ रहा था लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ से इस चीज़ को माइंड में रख लेना है कि जो होता है एच नेगेटिव क्या होगी, सॉफ्ट बेस होगी, बिकॉज इसके ऊपर क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। होप सो इस तरीके ये जो हैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए आप लोगों के लिए हेल्पफुल प्रूव होंगे। कोई आपको मिस्टेक लगी हो, कोई सजेशन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।